सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे कौन ने अपडेट साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू अपडेट सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, आप अपने रेडमी फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसलिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेटिंग्स ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको सेटिंग्स ओपन कर लेना है। तो सेटिंग्स ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको शो होता है फ्रेंड्स अबाउट फोन, आपको क्या करना है फ्रेंड, अबाउट फोन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अबाउट फोन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जैसे ऑप्शन नहीं हो रहा था फ्रेंड अपडेट फोन का, तो आपको यहाँ क्या करना है फ्रेंड, सिस्टम ऐप अपडेट आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड, जैसे फ्रेंड हमारा नेट नहीं है फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है अपडेट, अगर फ्रेंड्स अगर जैसे हम देख सकते हैं हमारे फोन में पहले से अपडेट हो चुका है फ्रेंड, हमारा अपडेट नहीं मांग रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, आपको अपडेट का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम ऐप अपडेटर में जाना है फ्रेंड, आपको इसी में जा करके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स आप अपना रेडमी फोन के अंदर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय।